अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इलिया शरफुद्दीन साहब का कहना यह है कि बीजेपी के एमएलए त्रिपाठी खुद सीएए एनआरसी के खिलाफ हैं। अब सोचने वाली बात यह है नाज़रीन, बीजेपी के एमएलओं को भी कुछ समझ में आ रहा है कि ये देश को तोड़ने वाला कानून है। अब बीजेपी के एमएलए खुद ये कह रहे हैं, इसके बावजूद भी दोनों की कान पर जू नहीं रेंगती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों की भी कान पर जू नहीं रेंगती है। सारा हिंदुस्तान परेशान है, ये परेशान करके बैठे हैं। ये मुद्दे से हटाकर जो डेवलपमेंट का मुद्दा है उसको भुलाकर एनआरसी करके बैठे हैं और सारे लोग परेशान हैं। आइए देखते हैं इलिया शरफुद्दीन ने क्या कहा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بی جے پی کے ایم ایل اے خود سی اے کے خلاف اتر گیا ترپاٹی کہہ رہا ہے بندہ سی اے توڑ دے گا دیش کو آپس میں لڑا دے گا روزگار پہ بات ہو ایجوکیشن پہ بات ہو شانتی پہ بات ہو انتی پہ بات ہو ایکتا پہ بات ہو آپس میں لڑانے پر بات نہ ہو میں گاؤں سے ہوں اور گاؤں کی جو तात्कालिक परिस्थितियां देखा हूं उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है, या दो में से एक बात सिद्ध होती है, या तो आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ में। दूसरी स्थितियाँ, आज गांव में आधार कार्ड बनवाने के लिए गांव का गरीब आदमी भटकता रहता, शहर का गरीब आदमी भटकता रहता, जानकारी के अभाव में इतने पेपर इकट्ठा करके ये नागरिकता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है। हम गांव में देखें, हमारे गांव के छोटे गांव में मुसलमान रहता है, अभी तक हम लोगों को पंडित जी पाए लागी कहती थी, आज वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे। जिस देश में, जिस गाँव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा, उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम लोग, एकता अखंडता की बात करते हैं, और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। अल्लाह इसको हिदायत दे दे, अल्लाह इसको अच्छे रास्ते पर जमा के रखे मालिक, और दूसरे पूरे बीजेपी आरएसएस वालों को भी हिदायत दे दे परवरदिगार, जो देश को बर्बाद करके आग लगा दे रहे। इसीलिए देखिए गाय भी भाग रही है अब इनसे, ये देखिए। और मुसलमानों के खाली इशारे पे आ जा रही गाय, ये देखिए शांति वालों के रास्ते पे। आइए एक मालिक ईश्वर अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। दुनिया में शांति उन्नति, आखिरत में शांति उन्नति, इस्लाम लाइए, एकता शांति उन्नति लाइए देश में, कामयाबी पाइए। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद या शवरमा पिछले 10 साल से सारे हैदराबाद की अव्वलीन पसंद, मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद इमरान खान की लाजवाब पेशकश। मोहम्मद या शवरमा पर आइए और शवरमा, कबाब, प्लेटर, ग्रिल चिकन, चिकन बिरयानी खाइए या अपने घर पार्सल ले जाइए और अपनी दावतों के जायके को चार चांद लगाइए। हमसे कैटरिंग के लिए रब पैदा कीजिए और हमारी फ्रेंचाइजी के लिए भी कांटेक्ट कीजिए। हमारे ब्रांचेस मोहम्मद या शवरमा, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, रेतीबली और पिल्लर नंबर 67 अपोजिट ओरिएंट बैंक, कादरबाग, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुँचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।